हर गांव की भाजपा से विधायक और राज्यमंत्री बने सुरेश राही का सीतापुर में प्रथम आगमन को लेकर उनके समर्थकों में खुशी देखने को मिली और जगह जगह उनका स्वागत भी हुआ। सीतापुर आगमन पर उनका टोल टैक्स अटरिया, सिधौली, कमलापुर, खैराबाद, बिजवार आदि जगहों पर भव्य स्वागत हुआ। सीतापुर हाईवे पर महाराज सीता पासी किले पर पहुंचकर उन्होंने पुष्प अर्पित किया। मंत्री सुरेश राही ने कहा कि सीतापुर व हर गांव की जनता का हम पर जो एहसान है उसको कभी हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हम हर समय उनके साथ हैं और कहीं भी जरूरत है तो हम वहां भी खड़े हैं। घर पहुंचने पर उनके बड़े भाई रमेश राही ने उन्हें आशीर्वाद दिया व रामदयाल राजवंशी, ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक, सुरेंद्र राजवंशी सहित उनको बुके देकर स्वागत किया। स्वागत के दौरान महाराजा छीतापासी किले पर समाज सेवी एमसी भार्गव, अनिल भार्गव, भानु राजवंशी, भोलानाथ भार्गव, टीकाराम, विनय राही, मुनेश्वर राही, विजय कुमार, अमित भार्गव, अजय कुमार, अशोक भार्गव सहित तमाम लोगों ने उनका स्वागत किया। मंत्री बनने के बाद सीतापुर पहला आगमन है आपका, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है, जो जनता ने प्यार दिया है और जो विश्वास किया है उसको पूरा करने का कार्य करूंगा और जो हमारे सरकार ने विश्वास किया है तो उनके लिए। सीतापुर जनपद में सबसे ज्यादा मतों से आप विधायक बने दोबारा, क्या कहना है जनता के लिए? समाज का सारे वर्गों का सहयोग रहा, सबका आशीर्वाद मिला मुझे और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे राही परिवार को जहाँ से मैं विधायक हूँ वहाँ से पांचवी बार मेरा परिवार विधायक है और हर गांव की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है जो राही शब्द पे, राही नाम पे विश्वास करते हैं और उन्होंने मुझे विश्वास किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी ने पासी समाज को लेकर एक अलग पहचान दिलाई, आप क्या करेंगे? प्रयास करूँगा उन्हीं के नक्शे कदम पे चलूँ और जो उन्होंने किया उसी को आगे बढ़ाऊँ। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।